हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, एक्स्ट्रा इनकम की किसको ज़रूरत नहीं है एंड फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जहां से आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू ही नहीं अपनी एक रेपुटेशन, अपना एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। फिफ्थ नंबर पे एज यू कैन सी हमने चूज़ किया है फ्रीलांसर को। मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एंड इसको फिफ्थ नंबर पे इसीलिए रखा है बिकॉज जो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा ख़राब रहा है, बट ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। इसकी रेटिंग भले ही उतनी खास नहीं है, चाहे आप प्ले स्टोर ऐप की इसकी रेटिंग देखें या फिर आप वेबसाइट्स पे इसके रिव्यूज़ पढ़ें। अगर हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे गो थ्रू करें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है बेसिकली हर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे होते हैं, या तो आप अपना वहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जो वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं। फ्रीलांसर कैसे काम करता है, इस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं जो कंपनीज या एम्प्लॉयज़ यहाँ पोस्ट कर देते हैं एंड एज अ फ्रीलांसर आपको वहाँ पे बिड करना पड़ता है एंड कुछ लिमिटेड बिड्स अवेलेबल होती हैं आपके लिए, चाहे वो डेली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो। अगर उसके बियॉन्ड आपको जाना है तो फिर आपको इनका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इसकी वेबसाइट से अगर हम गो थ्रू हुए तो आपको समझ में आएगा, एज यू कैन सी एज यूज्ड बाय मोस्ट पॉपुलर कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास एंड जैसा मैं आपको बता रहा था फास्ट बिट्स के बारे में, जो चीज़ ये यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं ये क्वालिटी वर्क को, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, बट वहीं पे जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है एंड वहीं पे स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स को भी एक मौका मिल जाता है एंड वो फिर वो जो एक्सपीरियंस होता है चाहे वो फ्रीलांसर्स का हो या एम्प्लॉयज़ का हो, वो दोनों का वहाँ पे फिर ख़राब होता है। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से काम करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो एम्प्लॉयर है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो उसने पहले भी पास प्रोजेक्ट्स लेके उसने कंप्लीट किए हैं, उसकी पेमेंट गो थ्रू हुई है, उसकी रिव्यू एंड रेटिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करना ज़रूरी है बिफोर डूइंग देयर वर्क। एंड दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी यहाँ पे फ्रॉडस्टर्स होते हैं आपको मैसेज करके बोलेंगे कि आप हमें इतना पेमेंट दीजिए, हम आपको इतना टास्क देंगे, फिर आप उससे उतना कमा लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब फालतू है, वो सब फेक है, उसको बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा। सिंपल एंड सीधी बात ये है, कोई भी अगर जेन्युइन वर्क होगा तो आप उसके पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट रिकॉर्ड्स देखिए, आपको आइडिया लगेगा। एंड ये आप देख सकते हैं कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट किए हैं एंड ये सारी फील्ड्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन फील्ड्स में से किसी में से काम करना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट से गो थ्रू हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी वी हैव guru.com एंड एज यू कैन सी वेबसाइट UI काफ़ी बेटर है। मैंने पर्सनली इसको यूज़ नहीं किया है बट मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये काफ़ी जेन्युइन वेबसाइट है एज़ कम्पेयर टू freelancer.com एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक वेबसाइट के UI से आपको समझ में आ जाती हैं एंड चाहे कंपनीज कुछ भी क्लेम करें, जब तक आप खुद से यूज़ करके नहीं देखेंगे कोई चीज़, आप उस चीज़ के लिए नहीं बोल सकते, फिर चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। तो ना मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि ये अच्छी है, ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुरी है, बट आपको ध्यान देने की बात ये है कि आप इसको एक चांस दे सकते हैं। सिंपल चीज़ है, कैसे काम करता है हम देखते हैं। सी हाउ गुरु वर्क्स फ्रीलांसर्स एंड एज यू कैन सी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस आपको साइनअप करना है एंड आपको अपने लिए जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स लिस्टेड हैं आपको वो ढूंढनी है, आपको अपनी कोड सबमिट करनी है एंड देन ऑटोमेटिकली अगर आपकी जो कोड्स होंगी वो पसंद आएंगी एम्प्लॉयज़ को, वो ऑटोमेटिकली आपको हायर कर लेंगे टू डू देयर वर्क। एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बड़ा टास्क है तो आप चाह रहे हैं कि आपके बाकी फेलो टीम मेम्बर्स हैं या जो और भी फ्रीलांसर्स हैं आप उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इनका जो वर्क रूम्स करके एक प्रोडक्ट है आप उसको यूज़ करके अपनी टीम, अपनी प्रोडक्टिविटी एंड आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं एंड उसके बाद जैसे काम कम्प्लीट हो जाएगा यू कैन गेट पेड ईजीली। सो दिस इज़ वॉट guru.com लुक्स लाइक। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी वी हैव पीपल पर आर। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है, मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, मैंने इसको ट्राई भी किया है एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये उतना खास नहीं लगा, बट क्योंकि लोग इसके बारे में इतना बात करते हैं एंड जो ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो आपको बाकी वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगी, शायद खुद देख सकते हैं आप, खुद इस वेबसाइट से गो थ्रू हो सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है एंड फिर आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं एंड आप बता सकते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए। ये इनके कुछ एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स हैं, आप देख सकते हैं इनको रेटिंग्स मिली हुई है, कितने लोगों ने रेट किया है एंड ये कितना चार्ज करते हैं पर आवर कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शॉपिफाई डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स डिज़ाइन एनिमेशन इतने प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट कर चुके हैं, दिस इज़ ग्रेट। ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन है जो आप ले सकते हैं
एंड उसके अलावा वी हैव ट्रेंडिंग ऑफर्स, आप इन पर बिड कर सकते हैं प्रॉपर, जैसे कि फाइवर काम करता है, हम उस पर चलेंगे अभी थोड़ी देर में। तब तक आप ये देखिए 3 मिलियन रेटेड फ्रीलांसर्स कवरिंग 8,766 स्किल्स, ऑलरेडी 3 मिलियन फ्रीलांसर्स इनकी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, 150 मिलियन डॉलर्स ये लोग डिसबर्स कर चुके हैं अभी तक फ्रीलांसर्स को, एंड 10 मिनट लगते हैं एक फ्रीलांसर्स को टास्क देने में, 7 दिन तक मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। एंड ये कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जो ये पीपल पर यूज़ करती हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड कैटेगरी वी हैव अपवर्क। अपवर्क काफ़ी अच्छा है एंड एज यू कैन सी सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रस्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, Airbnb, GoDaddy एंड Bisly, काफ़ी रेप्यूटेटेड कंपनीज हैं पूरी दुनिया की। सो देयर मस्ट बी अ रीज़न कि अपवर्क इतना पॉपुलर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपवर्क को, वो स्क्रीनिंग प्रोसेस को लेके है, मतलब इस पर लिस्ट हो जाना एज अ फ्रीलांसर, आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनकी जो प्रोसेस है साइनअप की, उसके लिए आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, एंड उसके बाद ही थोड़ा सा टाइम लेंगे आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करने के लिए, एंड फिर आपको पता चलेगा कि आप इनकी वेबसाइट पे एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं कि नहीं। तो उस कैटेगरी में एक तरीके से वो शील्ड है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऐसे फ्रीलांसर से बचाने के लिए जो वहाँ पे सिर्फ पैसे लेने के लिए या सिर्फ ऐसे फालतू का काम करने के लिए हैं, बट वहीं पे फ्रीलांसर्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है ऐसी स्क्रीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर पाना एंड आगे बढ़ पाना। बट काफ़ी एग्जांपल्स हैं दुनिया में जो इस पे काम कर रहे हैं, एंड अगर हम नीचे जाएंगे तो एज़ यू कैन सी ये सारी कैटेगरीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड UI काफ़ी इनका एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स अच्छा है। आप देख सकते हैं कि अपवर्क क्यों, आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये देखिए आप 4.9 आउट ऑफ 5 क्लाइंट्स रेट प्रोफेशनल्स, यानी कि ये रेटिंग रही है जितने भी क्लाइंट्स ने अभी तक काम किया है एज अ फ्रीलांसर्स ऑन अपवर्क। इनफैक्ट नैस्डैक अपवर्क तक को ट्रस्ट करता है, एंड ये सारी स्किल्स हैं, ट्रेंडिंग स्किल्स, टॉप स्किल्स इन US प्रोजेक्ट कैटलॉग, आप इनके अकॉर्डिंगली उनको फिल्टर कर सकते हैं, एंड दिस इज अपवर्क। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी वी हैव अ बोनस। नाउ एज ऑलवेज बोनस जो है वो है टॉपटेल। अब टॉपटेल के साथ दिक्कत क्या है, आप इसकी हेडलाइन पढ़ सकते हैं, हायर दी टॉप 3% ऑफ फ्रीलांस टैलेंट, यानी कि कितना फियर्स कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, यानी पूरे ग्लोबल में हर फील्ड में जो सबसे अच्छा उभर के आएगा वो यहाँ पे काम कर सकता है। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना, मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ पे कुछ लिमिटेड लोग ही अलाउड हैं, एंड एज कम्पेयर टू अपवर्क इनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस और थोड़ी सी टफ है। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट प्रोजेक्ट्स, जो भी पोर्टफोलियोज हैं आपको, उन सबको कंसिडर करके उसके बाद भी काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, तब जाके आप एक टॉप 10 फ्रीलांसर बन पाते हैं। नाउ गोइंग ओवर टू द वेबसाइट, एज यू कैन सी ये सारी फेमस कंपनीज, एंड इन फैक्ट यू कैन इवन वॉच द केस स्टडीज ऑफ सम कंपनीज की कैसे वो टॉप 10 को यूज़ करती हैं, एंड एज यू कैन सी इनके फ्रीलांसर्स की लिस्ट, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये बनी हुई है। एज यू कैन सी द टॉप 3% ओनली, एंड बाकी सारे फीचर्स तो आप बाद में ही रहने दीजिए। जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज हैं वो है यहाँ पे डेवलपर्स, डिजाइनर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स। सो दिस इज टॉप 10, एंड याद रखिएगा अगर आप बहुत क्वालिफाइड है अपनी फील्ड में एंड यू थिंक कि आपने पास में इतना काम किया है कि वो आपको इस वेबसाइट पे ला सकता है, देन डू अप्लाई। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी वी हैव फाइवर। अब फाइवर एक ऐसा है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर सकते हैं, एंड अगर कोई एम्प्लॉयर को, जैसे यूट्यूब पे होता है कि कोई थंबनेल देख के कोई व्यूअर आता है, देखता है एंड पसंद आता है तो वो सब्सक्राइब करता है, सेम वे आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स पब्लिश कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लोगों ने डाल रखे हैं, ये लोग इतना चार्ज करते हैं, ये लोग ये चीज़ करेंगे, कौन है, कितने लेवल के सेलर हैं, एंड ये एक थंबनेल है। यहाँ पे काफ़ी लोग मल्टीपल थंबनेल्स डालते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक ही है, यहाँ दो तीन ऐसे दबाएंगे आप। फील्ड यहाँ पे बहुत सारी है, फाइवर पे फील्ड काफ़ी सारी हैं, आपको कमी नहीं पड़ेगी। अभी मैं एक बाइंग जोन में हूँ, एज यू कैन सी स्विच टू सेलिंग, तो ईजिली मैं इस पर रजिस्टर्ड हूँ बेसिकली, तो ये बहुत उस तरीके से काम करता है। एंड आपको समझना ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सोशल मीडिया डिज़ाइन मैंने क्लिक किया, तो उससे रिलेटेड जितने भी होंगे जो टॉप पे होंगे सबसे पहले वो आएंगे। एज यू कैन सी 1K प्लस रिव्यूज़, 4.9 रेटिंग, आई विल डिज़ाइन इंगेजिंग फेसबुक एड्स, दैट्स इट, एंड इतना ये चार्ज करते हैं। उसके अलावा उनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल इनके पैकेजेस हैं बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, रेट इन्होंने सेम, ओके सबके अलग हैं। एज यू कैन सी बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम,
एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर वो चीज़ करेंगे, कितना टाइम लेंगे, कितनी पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, कितने रिविजन्स अलाउड हैं एंड उस गिग के बारे में बताते हैं। तो फाइवर एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स काफ़ी बेटर है एंड इस पे ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है, आप इजीली यहाँ पे लिस्ट हो सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, जब तक आपको यहाँ पे एक पहला क्लाइंट नहीं मिलेगा ना तब तक आप ज़्यादा उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। आप खुद से ये चीज़ सोच के देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट की या पेज की करवानी है तो आप इसको चूज़ करेंगे यानी कि 5-point रेटिंग को, या फिर आप नीचे कहीं जाएंगे एंड आपका तो चलो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये तो सारे एक्सपीरियंस रहे। तो उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि आप यहाँ पे ऊपर कैसे रैंक करेंगे। तो वहाँ पे काम आता है जो चीज़ आप टाइटल में लिखते हैं एंड जो पास आपकी रेटिंग्स रही होती हैं। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे टाइटल, फ़ोटो एंड ये पूरा प्रॉपर सब कुछ बनाऊंगा तब जाके ये वाला फ्रीलांसर अभी 10th पेज पे आ रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितनी इजी इनकी एंटरिंग प्रोसेस है, आप इसमें जितना ईजीली आ सकते हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए ये चीज़ है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।